नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये सिक्कों के ऊपर होने वाली है। एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सी जानकारी मिली है और बड़ा शॉकिंग सी जानकारी मिली है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा तो आप भी शॉक हो जाएंगे अगर आपको ये जानकारी पहले से पता नहीं होगी। तो जैसे कि सबको पता है कि मार्केट में अगर कोई तरीका आता है तो उस तरीके का तोड़ भी निकाला जाता है। एटीएम आए तो चोरों ने एटीएम से भी पैसे निकालने के, चोरी करने के तरीके निकाल लिए। 2,000 के नोट आए तो उन्होंने उस नोट को भी फर्जी करने के तरीके निकाल लिए। 500 के नए नोट आए, उसको भी फर्जी करने के तरीके निकाल लिए। ऐसे ही बहुत पहले आपने देखा होगा, हमारा जो 5 का सिक्का होता था, ये 5 के सिक्के के बारे में वीडियो है। 5 का सिक्का होता था, वो इतना बड़ा होता था, थोड़ा सा हैवी होता था। अगर 4-5 सिक्के किसी रूमाल में या तौलिए में बांध के किसी को मार दो ना तो सर फाड़ दें और वो हथियार की तरह भी काम कर जाए। भारी होते थे थोड़े से, आपने देखा होगा। और वो जैसे अभी आ रहे हैं गोल्डन कलर के, इस कलर के नहीं होते थे, वो कुछ सिल्वर सिल्वर कलर के होते थे। मतलब प्योर सिल्वर कलर भी नहीं होता था, कुछ धुंधला सा कलर होता था उनका। तो ये सिक्के जो उस समय आए थे, ये सिक्के जो बनाए जाते थे, इनकी मेटालिक जो वैल्यू होती थी ना, वो सरफेस वैल्यू से ज्यादा होती थी। पहली बात तो सरफेस वैल्यू होती वो जो सिक्के पे लिखी होती, जैसे सिक्के पे 5 लिखा है तो 5 रुपए का सिक्का है, 1 लिखा है तो 1 रुपए का सिक्का है। मेटालिक वैल्यू वो होती है जो उस मेटल की वैल्यू है। सपोज करो 5 रुपए का सिक्का बनाने के लिए 6 रुपए का मेटल इस्तेमाल कर दिया गया हो या 10 रुपए का मेटल इस्तेमाल कर दिया गया हो, तो वो हो जाती है मेटालिक वैल्यू। पहली बात तो वो थी, तो उस सिक्के की मेटालिक वैल्यू जो थी वो सरफेस वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा थी। पहला रीजन तो ये था, सरकार उसको चेंज करने के मूड में थी। लेकिन दूसरा रीजन, जो मेन रीजन था, जो मुख्य रीजन था, कारण था, वो ये था कि वो सिक्के जिससे बनते थे, जिस मेटल से, अलॉय मेटल बोलते हैं उसको, उससे बनते थे। हाई कार्बन और अलॉय, लो अलॉय मेटल को मिला के ये बनाए जाते हैं। तो उसी मेटल से हमारा दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड बनता है, और 1 5 के सिक्के में उसको पिघला के 6 ब्लेड बना लेते थे ये लोग, जो स्कैम करता थे, जो स्कैम कर रहे थे, 6 ब्लेड बना लेते थे। मतलब 5 रुपए का सिक्का 12 रुपए में जा रहा है, और अगर पर रुपए ब्लेड बेचोगे भी तो भी 6 रुपए में जा रहा है। तो मतलब 1 रुपए वैल्यू उस सिक्के की ज्यादा मिल रही है लोगों को। 5 रुपए का सिक्का लाए, पिघलाया, 6 ब्लेड बनाए, 2 रुपए पर ब्लेड बेच दिया। आप देखेंगे जो डिब्बा लेते हैं वो 2 रुपए का एक ब्लेड मिलता है, पहले 1 का मिलता था, तो बेच दिया तो 12 रुपए कमा लिए, मतलब 7 रुपए तुरंत का तुरंत मुनाफा इनको। तो क्या किया इन लोगों ने, उन सिक्कों को बांग्लादेश स्मगल करना चालू कर दिया। और बांग्लादेश जब स्मगल होने लगे, सिक्के ज्यादा मात्रा में बांग्लादेश जाने लगे, तो मार्केट में, भारत में मार्केट के अंदर उन सिक्कों की हो गई कमी। और उन सिक्कों की जब कमी हुई तो ये सरकार को पता लगा, तो उन्होंने इसका रीजन निकाला। अब यहां पर आती है हमारी खुफिया एजेंसियां, जैसा कि फर्जी में भी दिखाया गया है, जो कितना हमारे लिए करती हैं। मतलब ये स्कैम बहुत कम लोगों को पता होगा, या जो इस चीज से रिलेटेड है उन लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा क्या था। तो बहुत लोग इन चीजों का पता भी लगाते हैं, इन चीजों को रोकते भी हैं, और रोक दी जाती है, चालू कर दी जाती है। आप अमूमन किसी से पूछेंगे कि 5 का सिक्का वो वाला क्यों बंद कर दिया, ये वाला क्यों चालू कर दिया, तो कोई आपको वैलिड रीजन दे नहीं पाएगा। आज तक मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी पता लगा है। तो सरकार ने जब पता लगाया तो सरकार को पता लगा इन सिक्कों का स्मगलर हो रहा है, स्मगलिंग की जा रही है बांग्लादेश। बांग्लादेश सारे सिक्के जा रहे हैं, वहां पर इन्होंने फैक्ट्री बना रखी है और वहां से ब्लेड बना के लाए जा रहे हैं, भारत में बेचे जा रहे हैं। मतलब 5 रुपए का सिक्का 12 रुपए में बेचा जा रहा है। तो सरकार ने इसका तोड़ निकाला और उन्होंने गोल्डन कलर का सिक्का निकाल के दे दिया। अब देखना यह है, इस सिक्के का भी कोई ना कोई तोड़ निकालने के लिए तैयार बैठा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो क्या तोड़ निकलता है या नहीं निकलता है वो आगे पता लगेगा। लेकिन 5 रुपए के सिक्के जो मोटे वाले थे, वो जो मार्केट में पहले से थे या जो रह गए हैं, जो बांग्लादेश नहीं जा पाए, वही आपको देखने को मिलेंगे। नए सिक्के सरकार ने बनाना बंद कर दिया। सरकार ने सिर्फ गोल्डन कलर के, जो हल्के थोड़े से लाइट होते हैं, अभी पहले के बराबर भारी नहीं होते, वो वाले सिक्के मार्केट में आपको मिलेंगे। तो ये वजह थी कि बांग्लादेश में बन रहे थे ब्लेड और 5 रुपए का सिक्का 12 रुपए में इस्तेमाल किया जा रहा था ब्लेड बना के, एक सिक्के में 6 ब्लेड बनाए जा रहे थे। तो ये मेरी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केमचो, खड़ीकम्बा, भारत माता की जय। जय हो, वंदे मातरम, जय हो।